जी सब आ गए। जी ठीक है, हम जो है सेशन टू स्टार्ट कर रहे हैं अपना। असल में जूम का जो है यही मसला है, 40 मिनट से ज़्यादा का सेशन नहीं होता उसमें ना, तो इसीलिए फिर हमारी क्लास तो 40 मिनट से ज़्यादा की होगी। 20 मिनट ओके तो वेट हो जाती है। नहीं, बस चले। अच्छा नहीं, आज हम सब कवर करके जाएंगे, कोई मसला नहीं, बेशक 9 भी बज जाए लेकिन सब कवर होगा इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं है? पर देखिए बहुत सारे मसले आते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती एक तो, और दूसरा जो है वो माइक का म्यूट करने का और वो सारा बहुत प्रॉब्लम होता है, और व्हाट्सएप पे जो है इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ही सही है। या हम देखते हैं कि स्काइप पर, अगर आप लोग जो है स्काइप पर आ जाएं, ऐसा देखते हैं अगर हम लोग अपनी जो है नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में। ओके अच्छा, हम लोगों ने जो है लिंक करना सीख लिया था सीएसएस को, और हम लोग एक ट्राई भी कर लेते हैं कि चेक कर लेते हैं हमारी जो है सीएसएस लिंक हो गई है या नहीं हुई। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी लगा लेता हूँ, चवन हेडिंग लगा लेता हूँ मैं, और उसमें लिख लेता हूँ दिस इज हेडिंग 1। बस दिस इज हेडिंग सही है। अच्छा ये मैंने इसी लगाई है ताकि हम चेक कर सकें केस। पिक्चर इमेज इंसर्ट करने का आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? मेरी इमेज अब जाके डाउनलोड हो गई है, नेट का इशू था। अवकाशा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर यूं ही करते रहे, तो फिर पूरी क्लास जो है आगे टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाए, खत्म नहीं हो पाएंगे। रिकॉर्डिंग से आप दोबारा देख लेना, सही सही है। अच्छा मैं बताता था सीएसएस को लिंक करना, हम लोग ने जो है एक हेडिंग लगाई सबसे पहले एचटीएमएल में, और उसके बाद हम अपनी सीएसएस की फाइल में आएंगे। ये बस अभी सीएसएस को इतना आप लोग ने कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे प्रॉपर जब एचटीएमएल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सीएसएस पे आएंगे। तो अभी बस मैं ऐसे ही सिंपल आप लोगों को चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि हमारी जो है सीएसएस फाइल से हो गई है कनेक्ट या फिर नहीं हुई। इसको हम एक्वा कलर दे देते हैं, और अब जाकर जो है हम देखते हैं कि हमारी फाइल कनेक्ट हुई है इससे या फिर नहीं। ये देखें, हमने हेडिंग लगाई और उसका कलर जो है हमने सीएसएस की मदद से चेंज कर दिया। हेडिंग तो सिंपल आप लोगों को लगाना आ गई होगी, कलर कैसे चेंज हुआ उसको जो है अभी आप लोग इतना नहीं ले, बस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस तरह हमारी जो है सीएसएस की फाइल लिंक हो जाती है। ये जो सीएसएस की फाइल हमने लिंक की है सिंपल, ये इस तरह लिंक हो जाती है। अच्छा उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट को कैसे हम लोग ने लिंक करना है। जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए हम लोग आएंगे बॉडी टैग के अंदर। अच्छा ये आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग जब भी सीएसएस की फाइल को लिंक करवाते हैं तो हम लोग हेड टैग के अंदर कराते हैं, लेकिन जब भी हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कराना है ना, तो हम लोग जो है बॉडी टैग के अंदर आके यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो नीचे जो है सीआरसी आप लोगों के सामने आ जाता है। इसको आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने फिर वो आएगा, स्लैश लगाएं और स्लैश लगा के स्क्रिप्ट डॉट जेएस से कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें स्क्रिप्ट डॉट जेएस, क्योंकि जेएस की फाइल हमारी स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से बनी हुई है, तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से उसको सिलेक्ट कर लें। अच्छा ये हम लोगों ने बॉडी टैग के अंदर लगाया है जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए। अच्छा अभी जावास्क्रिप्ट को हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि जावास्क्रिप्ट पैकेट में यूज़ होती है, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देगी कि जावास्क्रिप्ट कैसे लिंक हुई और क्या हुआ। बहरहाल ये आप लोगों को इस वक्त बताना है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर आगे जाके हम लोग जब डायरेक्ट डायरेक्ट उससे करेंगे तो उस टाइम समझना है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अभी तक हम लोगों ने इमेज लगाना सीखी है और लिंक करना फाइल्स को, तीनों फाइल्स को आपस में लिंक करना सीख लिया। अच्छा उसके बाद हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है टेबल्स इन एचटीएमएल।
टेबल जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो उसको जो है थोड़ा सा हम गौर से देखते हैं, थोड़ा सही से समझेंगे उसको। अच्छा, तो टेबल्स लगाने के लिए हमारे पास जो है सबसे पहली कमांड जो टैग जो होता है वो सिंपल है, आप टेबल का टैग होता है। टेबल का टैग लगाने के बाद, टेबल के टैग के बाद हमारे पास उसके अंदर आ जाता है टेबल रॉ। टेबल रॉ लगाने के बाद टेबल हेडिंग, ये अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर समझाता हूँ, अभी मुझे पता है अभी सही से समझ में नहीं आ रहा होगा। टेबल हेडिंग में हम लोग जो है नेम लिख लेते हैं, और इसी को कॉपी करके हम लोग इसमें अपना एज लिख लेते हैं, और अपना कॉपी कैसे करा वो बताइएगा। ये ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो को आप दबाएंगी ना तो आपकी पूरी लाइन कॉपी होकर नीचे आ जाएगी। ऑल्ट प्लस शिफ्ट और प्लस डाउन एरो, ठीक ओके है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे फेवरेट लैंग्वेज लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम लोग जब हम लोग गो लाइव करते हैं और वेबसाइट पर जाते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये देखें, ये नीचे आ रहा है, इमेज के नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब ये बहुत अजीब सा दिख रहा है कि जो है एक नेम लिखा हुआ है, उसका एज लिखा हुआ है, फेवरेट लैंग्वेज। अच्छा, टेबल बना रहे हैं तो हमारा यहाँ पर जो है हेडिंग सेशन ख़त्म। फिर दोबारा हम TR का टैग लगाएंगे। TR का टैग लगाने के बाद उसके अंदर TD, अभी इसको जो है मैं प्रॉपर दोबारा समझाता हूँ। ये आपने TH लगाया टेबल मैं अवकाश बताता हूँ आपको, 2 मिनट, अभी दोबारा आप इसको मैं रिपीट करता हूँ फिर आपको समझ। के बाद TR का जी, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको भी जो है हम 3 कॉपी कर लेते हैं लाइंस, और इसमें टेबल के नीचे अपना नाम लिख लेते हैं। नाम है नबील, एज 15, और TD जो है फेवरेट लैंग्वेज हम लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, अच्छा। अब हम लोग जब अपनी वेबसाइट पर जाएं तो ये देखें, नेम के नीचे जो है नबील लिखा हुआ आ रहा है, एज के नीचे 15, और फेवरेट लैंग्वेज में के नीचे जावास्क्रिप्ट। ये सारा डिफॉल्ट है। अगर एक और हम लोग टेबल जो है टेबल डेटा लगाएं, इसी को मैं पूरा कॉपी करता हूँ। और इसमें जो है अगर मैं नाम रख दूँ काशान, उसकी एज रख देते हैं 16, और उसकी फेवरेट लैंग्वेज हम कर लेते हैं जावा। तो ये देखें, आपको नेम के नीचे उसका नेम मिल रहा है, एज के नीचे जो है उसकी एज, और फेवरेट लैंग्वेज के नीचे फेवरेट लैंग्वेज। अच्छा, अब ये रन कैसे कर रहा है एक दफ़ा उसको हम लोग प्रॉपर देखते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 16 में हमने सबसे पहले एक टेबल का टैग लगाया। टेबल का टैग लगाने के बाद हम लोग उसके अंदर ये सारी कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमारे पास टेबल का क्लोजिंग टैग है। तो हमने टेबल का टैग लगा के उसको इंटर करके हमने नीचे कर दिया, और उसके बाद हमने लगाई टेबल रॉ। TR स्टैंड फॉर टेबल रॉ। टेबल रॉ क्या कर रहा है? टेबल रॉ VS कोड को बता रहे हैं कि भाई ये जो है एक रॉ में लिखना चाह रहा है, इसलिए टेबल रॉ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर टेबल रॉ को मैं हटा दूं तो ये एक रॉ में नहीं आएगा। ये देखिए, नेम के बाद जो एज आ रहा है उसके आगे आ रहा है, फिर एज इसके नीचे आएगा, तो हमें इस तरह का नहीं करना। टेबल रॉ हमारा लगाने का जो मकसद है वो यही मकसद है कि वो एक रॉ में आए, एक लाइन में आए। अच्छा, टेबल रॉ का ओपनिंग टैग यहाँ पर है, क्लोजिंग टैग नीचे। क्लोजिंग टैग हम लोग नीचे इसलिए लगाया क्योंकि हमें रॉ के अंदर जो लिखना है वो हम लोग उसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं। TH क्या कर रहा है? TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। तो TH मीन्स कि हम लोग इसके अंदर टेबल हेडिंग लगा रहे हैं, और हेडिंग के अंदर हम लोगों ने नेम लिखा, एज और फेवरेट लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग दो तीन चीज़ें और इसमें कर सकते हैं, तो वो TH की मदद से ही वो होंगी। TH की मदद से अगर हम लोग एक और TH यहाँ पर लगा लें, TH टैग लगाएं, और इसके अंदर जो है हम क्लास लिख लें, मिसाल ऐसी बेसिक, हम सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ, क्लास लिख लें। तो ये देखें, उसके आगे आ रहा है, फेवरेट लैंग्वेज के बाद आ रहा है क्लास, और इसके बाद हम लोग उसमें डेटा पुट करेंगे तो वो क्लास के नीचे ही आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारा लाइन नंबर 22 में हमारा टेबल रॉ खत्म होता है, जहाँ पे हमारी टेबल हेडिंग खत्म हो गई। उसके बाद हमें एक और रॉ बनानी थी, क्योंकि नीचे नीचे वाली रॉ में हमें डेटा पुट करना है कि भाई उसका नाम क्या है, उसकी एज और उसकी फेवरेट लैंग्वेज और क्लास क्या है। तो हम लोग एक और टेबल रॉ बनाएंगे। टेबल रॉ क्यों बना रहे हैं? ताकि हम VS कोड को और अपनी वेबसाइट को बता सकें कि हमें ये एक रॉ में चाहिए, जितनी भी चीज़ें हम TR के अंदर स्टोर करेंगे वो हमें एक लाइन के अंदर चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जो है
टीआर का इस्तेमाल करेंगे। टीआर टैग के अंदर हम लोग टीडी का यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब पहले हमने टीएच का यूज किया, अब टीडी। टीडी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। अब हम लोग हेडिंग तो दे दी उसको, अब उसके अंदर हम लोगों को डेटा स्टोर करना है। डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग टीडी टैग का इस्तेमाल करते हैं। और अब यहाँ पर जैसे तीन चार चीजें हैं, तो तीन चीजों में हम लोगों ने तीन ही नाम दिए। तीन दफा हम लोगों ने टीडी टैग का इस्तेमाल किया, क्योंकि तीन दफा हम लोगों को चीजें चाहिए थी। अगर हम एक ही टैग लगाकर उसी के अंदर चीजें लिखना शुरू हो जाते तो वो सारी जो है नेम के अंदर आ जाती। अच्छा, उसके बाद फिर लाइन नंबर 27 में जो है वो हमारी रॉ खत्म हो गई। हमने कहा कि भाई अब इस रॉ को क्लोज कर दो, क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब हमारी नेक्स्ट रॉ स्टार्ट हो रही है लाइन नंबर 29 से। हमने कहा भाई अब एक और रॉ बनानी है, एक और बंदे का डेटा स्टोर करना है, तो अब हमें जो है एक और रॉ बना दो हमारे लिए, एक और रॉ वहां पर स्टोर करना है डेटा, तो रॉ बना दो। तो उसके लिए हम लोग टी आर टैग का दोबारा इस्तेमाल करेंगे। टी आर टैग का ओपनिंग टैग लगाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग फिर डेटाबेस डेटा उसके अंदर स्टोर करना है, तो टी डी टैग का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। अच्छा, टी डी हम लोगों ने इस्तेमाल किया, टेबल डेटा उसके अंदर हमने स्टोर किया, उसके बाद जहाँ तक हमें करना था उसके बाद आके हमने रॉ को क्लोज कर दिया, टी आर टैग लगाया और क्लोजिंग टैग खत्म। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो आप लोगों को यही नज़र आ रहा है कि नेम के नीचे नेम आ रहा है, एज के नीचे एज, और फेवरेट लैंग्वेज के नीचे फेवरेट, आपकी जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है वो लैंग्वेज आ रही है। अगर हम लोग एक ही टीडी के अंदर ऐसे सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करना शुरू हो जाएं तो वो फिर एक रॉ में आना शुरू हो जाएगा। उसको नहीं पता चलेगा कि भाई ये नेम के नीचे नेम लेकर आना है मुझे, या एज के, ये एज है उसकी या क्या है। तो इसीलिए हम लोग टीडी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को बता सकें या वीएस कोड को बता सकें कि भाई हम लोग जो है ये नेम के नीचे हमें नेम चाहिए। अच्छा, ये क्लोजिंग टैग आप खुद लगा रहे हैं या फिर ये ऑटोमेटिकली मतलब खुद ही जनरेट हो रहा है? जी देखें, खुद ही जनरेट हो रहा था ना जहाँ पर, जब अगर मैं एक और यहाँ पे एक और रॉ चाहिए मुझे तो मैं फिर से टी आर टैग का यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं टी आर लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग भी आ जाता है। मैं एक इंटर करता हूँ, वो क्लोजिंग ठीक टैग है, वो नीचे नीचे चला जाता है। नीचे सही, चले जाता है। फिर यहाँ पे आके टी डी टैग लगाऊंगा मैं। टी डी टैग लगाने के बाद यहाँ पे जैसे आपका मिस मारिया लिख लेते हैं यहाँ पर, मिस मारिया लिख लिया, तो अब जो है ये नाम के नीचे आपका नाम भी आ जाएगा। ये देखें, इसी तरह आप उसके बाद ठीक एक है। और टीडी लगा के अपनी जो है एज भी डिफाइन कर सकती हैं, एक और टीडी लगा के अपनी फेवरेट लैंग्वेज भी हो सकती है। तो इसी तरह जो है आप डेटा स्टोर कर सकते हैं टेबल के अंदर। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नहीं, ये मिस्तूबा ने बोला। अच्छा, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उकाशा आप बताएं, मलाइका आप बताएं, ये और जो आपने टी टैग लगाया, टी सही डी जी, टैग। जी ये टी टैग जो आपने बीच में लगाया, तो ये हमने एक ही लाइन में रखना है या ये चेंज करते रहना लाइंस? और दूसरी बात कि ये जो टेबल टैग है वो एक ही दफा लगना है ना, उसके बाद जी जी हमने एंटर टेबल कर टैग, करके जी जी लाइंस? जी जी टेबल टैग एक दफा बिल्कुल सही, लिखते सर, हैं, सही टेबल सही बन रहा है। और इसको आप एक लाइन में भी लिख सही सकते हैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ये देखें, कोई मसला नहीं हुआ, सब वैसा ही चल रहा है। लेकिन क्या प्रॉब्लम आया कि जो है वो हमारी, अब ये पढ़ने में नहीं आ रहा कोडिंग। अगर इसको भी मैं यहाँ पे हटाऊँ, यहाँ से हटाऊँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो ये देखिए, अब ये एकदम से सही। कोई भी आएगा तो इसको देखने में इतना मुश्किल हो रहा है कोड के, पता ही नहीं लग रहा कहाँ पे क्लोज हो रहा है टैग और कहाँ से ओपन हो रहा है। तो हम लोग हमेशा जब भी कोडिंग करते हैं ना, एक एक कंपोज टाइप कोडिंग होती है और एक जो है नॉर्मल कोडिंग होती है। तो हम लोग हमेशा नॉर्मल कोडिंग करते हैं ताकि अगर कोई और प्रोग्रामर आए और हमारा कोड पढ़े तो उसको समझ में आए। ये अभी तो आप लोग समझ में नहीं आया क्योंकि अभी हम लोग बहुत कम कम कोडिंग करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप लोगों की, जैसे अभी यहाँ पर 40 लाइनों का कोड है या 50 लाइनों का कोड है, यही अगर 500 लाइनों का कोड होता या 1000 लाइनों का कोड होता, तो उसमें आप लोगों को ये टी डी टैग समझना बहुत आप लोगों के लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा, अगर कोई प्रोग्रामर आके आप लोगों की ऐसे कोडिंग पढ़ेगा। अभी देखें ये ऐसे खुला खुला सही नज़र आ रहा है कि भाई एक लाइन में ये क्लोज क्लोज भी यहीं हो रहा है टैग और ओपन भी यहीं हो रहा है, ये इसके बाद नेक्स्ट शुरू हो रहा है। तो सही, इसीलिए जो है हम इसको इस तरह करते हैं और एक लाइन में हम लोग नहीं लिखते। एक लाइन में भी लिख सकते हैं लेकिन वो फिर वही प्रॉब्लम आता है कि कंपोज कोडिंग कहलाता है वो, तो हमें कंपोज कोडिंग नहीं करनी। सही अच्छा, सही टेबल टैग जो है आप लोगों को समझ में आ गए सही से, टेबल बनाना आ गया। अच्छा, इसको जो है मैं सीएसएस से थोड़ा सा आप लोगों को डिज़ाइन करके थोड़ा सा आप लोगों को और बेहतर वे में समझाता हूँ। अगर मैं टी डी को जो है
बॉर्डर दे दूं तो आप लोगों को ज़रा सही से समझ में आएगा। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा अब देखें तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा सही भी हो जाएगा, ये थोड़ा सही समझ में आ रहा है। ये देखिए ये सारे एक एक उस कॉलम की जगह ले रहे हैं, और ये नेम के नीचे जो है ये नेम आ रहा है, एज के नीचे एज, और फेवरेट लैंग्वेज के नीचे फेवरेट लैंग्वेज आ रही है। तो इस तरह हम लोग जो है इसको आगे CSS में डिज़ाइन भी करेंगे, और ये आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेबल काफ़ी ज़्यादा आगे यूज़ होता है। अच्छा उसके बाद मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। अभी CSS को इतना ज़्यादा आप लोग जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आगे हम लोग प्रॉपर जब CSS पढ़ेंगे तो आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा ये कि ये कैसे जो है इसका बॉर्डर आया है और कैसे इसका कलर चेंज हुआ। अच्छा उसके बाद जो है टेबल यहीं तक था, बस टेबल का यही है सेशन। उसके बाद हमारे पास एक और आता है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? अनऑर्डर लिस्ट वो होती है जिनका जो है कोई भी ऑर्डर नहीं होता। उसके लिए हम लोग यूएल टैग का इस्तेमाल करते हैं। यूएल टैग के अंदर एलआई टैग स्टैंड फॉर लिस्ट, एलआई लिस्ट कहलाता है, और यूएल टैग जो है अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा इसको अगर हम यूँ करें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नबील, यहाँ पे लिख लेता हूँ काशान, यहाँ पर मैंने लिख लिया वो काशा। अच्छा अब ये लिखा, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं देखते हैं कैसा। ये देखिए ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ये मतलब इसमें कोई नंबर नहीं आ रहा, और हमें कोई भी अल्फाबेट से पता नहीं चल रहा कि भाई नबील फर्स्ट है या सेकेंड या थर्ड, इस तरह कुछ भी वो समझ पे नहीं आ रहा ये, इसलिए ये अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है। उसके बाद हमारे पास होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में ओएल टैग यूज होता है, ओएल टैग के अंदर फिर एलआई लगाएंगे। अच्छा ये याद रखिएगा, जब भी हम लोग लिस्ट कोई भी अनऑर्डर लिस्ट लगाएं, ऑर्डर लिस्ट लगाएं, तो एलआई टैग उसमें लाजम यूज होता है क्योंकि उसमें लिस्ट लिस्ट यूज हो रही है। इसमें भी सेम मैं यही लिख लेता हूँ। ओके अब हम जब इस पे जाएंगे तो ये देखें इस पे जो है ये 1 2 3 आ रहा है, और इसमें मतलब एक ऑर्डर दिया हुआ है कि नबील जो है फर्स्ट उस पर है, काशन सेकंड को, काशा थर्ड पर। अच्छा अब आप लोग इसमें जो है अपनी खुद की टाइप भी लगा सकते हैं ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट के अंदर। यहाँ पर जैसे अगर आप लोगों को 1 2 3 नहीं चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को अल्फ़ाबेट चाहिए, तो आप लोग टाइप लिखेंगे तो आप लोगों को जो है ये ऑटोमेटिकली इतनी सारी चीज़ सजेस्ट करेगा। अच्छा कैपिटल ए का मतलब क्या है कि जो है आप लोग के सारे अल्फ़ाबेट आ जाएं कैपिटल में। अगर यहाँ पे हम 3 4 चीज़ें और ऐड करें, अगर मैं यहाँ पर रुका तो ये देखें ये आगे जो हमारे लेटर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं आगे, ABCD ऐसे आगे तक चलते जाएंगे जितने भी हमारे पास नाम होंगे। और हमारे पास एक और टाइप आती है, इसमें जो है आई की, इस कैपिटल आई जो है वो कैपिटल आई की आती है, और स्मॉल आई, कैपिटल आई क्या शो कराता है हमें, कैपिटल रोमन नंबर्स आते हैं हमारे पास, और स्मॉल आई जो है वो हमारे पास स्मॉल जो है रोमन काउंटिंग आती है। ये देखें स्मॉल रोमन काउंटिंग आ रही। अच्छा सही, आज की क्लास में बस यही टॉपिक्स थे, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, टेबल, इमेजेस लगाना सीखी हमने। आप एक इमेज नहीं, आप यहाँ पे 2 3 इमेजेस लगा सकते हैं। अगर यहीं पे आप लोग लेकर आए उसका नाम कुछ और लिखिएगा, Download 1 के नाम से रख लेगा उसका, और आप लोग खुद प्रैक्टिस किएगा कि इमेज एक इमेज की जगह 2 लगा लें, या टेबल में जैसे मैंने जो है यहाँ पर सिर्फ 2 टेबल डेटा बनाए हैं, तो आप लोग 3 4 टेबल डेटा बनाएं और उसकी जो है आप लोग प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप लोग लिंक करके दे, लिंक तो आप लोग CSS और अभी जावास्क्रिप्ट नहीं आता, तो लिंक आप लोग सिर्फ टैग लगा के देख लीजिएगा कि आप लोगों के पास ऐसे जब स्लैश लगाते हैं तो सारे नाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और जो है आप लोगों ने ये सारी प्रैक्टिस करके देखनी है। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल? रिकॉर्डेड वीडियो कब तक सेंड होगी ग्रुप में? ठीक रिकॉर्डेड है वो एक जी जी वो मैं आप लोगों को जो है अभी 9 साढ़े 9 तक इंशाल्लाह कर देता हूँ, क्योंकि असल में वो टाइम लगता है, सही। उसको जो है थोड़ा सा एडिट करके सेंड करूँगा मैं, क्योंकि उसमें जो बीच में लैग मतलब टाइम वेस्ट हुआ शुरू में हमारा, वो सारी हम लोग उसमें काट के हम लोग फिर मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। ओके और मैं क्लास का कोड भी जो है आप लोगों के साथ सेंड कर शेयर कर दूंगा, ये वाला पूरा कोड, ताकि इससे देख के भी आप लोग जो है वो
समझ सकें। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दे, ताकि जो है अभी इसी में ख़त्म हो जाए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। इमेज इंसर्टेशन जो है बॉडी के अंदर ही होनी होती है ना, जी, सारा या सारा का आप सारा हेड काम, वगैरह में भी कर नहीं 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 सकते? नहीं सारा काम जो है बॉडी के अंदर होगा, सिर्फ लिंक टैग जो है सीएसएस का वो हेड में लगता है, और बाकी सारा काम जो है हम लोग बॉडी के अंदर सही करते हैं। ठीक है, बॉडी बेसिकली होती क्या है? बॉडी सही, यही तो बाकी है यानी जो है। टेबल वगैरह जी, मैं क्या बोल सही, रहा बस सिर्फ हेडिंग के लिए हम सीएसएस इस्तेमाल करते हैं। हेड के अंदर सीएसएस लगता है, हेड के अंदर हेडिंग के लिए सीएसएस सीएसएस लगता इस्तेमाल है। नहीं, हेडिंग के लिए करते सीएसएस हैं। नहीं इस्तेमाल करते, ये हेड टैग जो सही आपको नजर सही आ रहा है ना, हेड टैग, इसके अंदर हम लोग सीएसएस को लिंक करवाते हैं बस। जी, स्टार्ट। बाकी सारा काम हम लोग जो है वो बॉडी के अंदर सही करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई भी सवाल हो तो एक दफ़ा दोबारा पूछ लें। अच्छा, रिवाइज कौन कराएगा इस क्लास को, कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी? वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है अगर करना चाहे तो, या वैसे ही बता दे कि हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में। मुझे टेबल तो पूरा क्लियर है, लेकिन उससे ऊपर थोड़ी कंफ्यूजन है, तो वो मैं रिवाइज नहीं करवा सकती। उससे ऊपर किस चीज़ में चार्ट का कन्फ्यूजन? थोड़ा सा मैं करवा देती हूँ। जी चलें, कोई मसला नहीं, दो तीन लोग मिलके करवाते हैं, लेकिन थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तो सबको जो डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से ज्वाइन किया था जहाँ से आपने बताया था कि इमेज जो है वो हम आई जी वैसे एम एक मिनट लिखेंगे, एक तो मिनट एक मिनट, ये अब्दुल्ला बोल रहे हैं, थोड़ा से उनको बोलने दें, मुझे पता है आपको यह आता है। अब्दुल्ला बोल रहे हैं, अब्दुल्ला बताएं। जी अब्दुल्ला बताएं क्या क्या पढ़ा हमने, ताकि उनको भी थोड़ा सा जो है। जी अब्दुल्ला, आप बोल रहे थे या किसी और ने माइक ओपन किया था? अच्छा चलें, ठीक है, मैं साफ बताया, मे बी ये अब्दुल्ला जो है वो, अब्दुल्ला ने नहीं खोला था माइक। मैंने यहाँ से ज्वाइन किया था, ये इमेज में आई एम आपने कहा था कि हम लिखेंगे, तो इससे जो है वो इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, आई उसके एम बाद जी, हम आई आई एम जी लिखेंगे। जी एम जी लिखेंगे, जी ठीक जी है। उसके बाद जो है वो फिर हम गूगल में जाएंगे और हम कोई इमेज डाउनलोड करेंगे। जी जब हम वहाँ इमेज डाउनलोड करेंगे तो हमें अपनी क्लास 2 की ही उसमें जो है वो जाके जी सेव जी करनी है, जी तभी जी ठीक है, बिल्कुल वो ऐसा जाके ही। जो है वो, हाँ तभी वो जाके लिंक करेगी, अदरवाइज जो है वो नहीं लिंक करेगी। और उसके बाद फिर हम दोबारा से जो है वो इसमें आएंगे वीएस कोड में और वीएस कोड में आएंगे, और फिर हमें जो है वो आपने बताया था कि स्टाइल सीएसएस और यही जावा वगैरह इन सब की फाइल जो है वो हम पहले यहाँ पे डॉट के साथ जो है वो बना लेंगे, ऐसा ही था? जी, सही है। डॉट के बाद हम लोग जैसे ही सीएसएस की हाँ, फाइल बनाएंगे तो डॉट सीएसएस बनाएंगे। डॉट सीएसएस, हाँ फाइल बना लेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो स्टाइल शीट, हम जी, भूल नहीं, उसके बाद गए हम लोग हेड में आएंगे, और हेड में हेड में आएंगे, आने के बाद लिंक करेंगे, लिंक लिंक करने के लिए लिंक लिंक कर। करेंगे। हाँ, जी 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 लिंक करने के लिए हम जो है वो ये स्टाइल शीट लिखेंगे, और फिर जो है नहीं, वो स्टाइल शीट ही हम लिखेंगे हम लोग, लिंक लिखेंगे, सिंपल लिंक सिर्फ लिखेंगे तो लिंक लिखेंगे तो वो सी एस एस कनेक्ट वाला हो ऑप्शन आ जाएगा। जाएगा। नहीं, सी हाँ, एस और एस आपने कहा था स्लैश डालेंगे, तो जी, हमारे पास जो एचरा फाइल्स हैं, जी हाँ तो हमारे पास जो जो फाइल्स हैं जिसको हमें जी कनेक्ट करना है, तो वो हमारे पास ऑप्शन में आ जाएगी, तो हम वहाँ से जी जी जो ऐसा है ही वो ऐसा कनेक्ट ही कर लेंगे। ऐसा हाँ, तो ही फिर वो स्टाइल सीएसएस हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मुझे सीएसएस का थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर ये चीज समझ में आई थी कि आपने कहा था कि विद और जो है वो हमें ये डालना, यहाँ पर जब हम आएंगे इमेज नेक्स्ट में, बॉडी में आके, हाँ इमेज तो में जी उसके बाद यहाँ फिर पर हम, हाँ जी, आपने कहा था कि विथ ए, और एंड ये क्या नाम है, ऑल्टो ऑल्ट, ए आई ऑल्ट टी, ऑल्ट इज हाँ इक्वल टू, ऑल्ट, हाँ ऑल्ट इज इक्वल टू कोडिंग इमेज। ऑल्ट का हम इसलिए यूज करेंगे कि हमारे पास प्रॉपर इमेज जो है वो ओपन हो, अगर हम ऑल्ट नहीं लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो वहां पर ओपन जो है वो प्रॉपर इमेज नहीं होगी, इसी वजह सही से बात हम है। जो है वो लिखेंगे। और अगर हमारे पास मोर देन वन इमेज है, तो ये जीपीईजी के आगे 1 2 3 अगर हमने इस तरह से सेव किया होगा, तो हम यहाँ जी पर जी जी मोर देन बिल्कुल वन ऐसा इमेज जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसके जी अलावा आपने कहा था विद और हाइट के साथ दोनों में से कोई एक चीज हम यहाँ पर शो करेंगे, जी क्योंकि आपने कहा था वो मैं आपको बाद में जी बताऊंगा, जी जी लेकिन जो सीओ है को, वो, सीओ को हाँ इधर लेकिन आपने एक चीज यहाँ पर शो करनी है, तो अगर हम सही। उसको
23 या छोटा कोई लेंगे तो वो बहुत ज्यादा माइनर सी, मतलब बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक सी इमेज आएगी, जी। तो इसलिए हम थोड़ा सा वो लेंगे ताकि हमारे पास थोड़ा जूम जो है वो इमेज हो। उसके बाद फिर आपने बताया था कि जावा स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट वो लिंक करवाया था, हाँ लिंक बस करवाया था, फिर आपने टेबल का बताया सही। था। टेबल मिस मारी वो बताएंगी मिस तूबा। जी टेबल के लिए टेबल टैग यूज करेंगे सबसे पहले। जी मिस आपका आवाज बहुत इको कर रही है आपकी आवाज। और फिर उसके बाद टेबल रॉक, इस टेबल के नीचे सबसे पहले TR टेबल रॉक का टैग यूज करेंगे। ओके ठीक है। तो TR के टैग के अंदर हम टेबल हेडिंग का टैग यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें हेडिंग की जरूरत होगी। उस हेडिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं, नेम, एज, जैसे आपने कहा फेवरेट लैंग्वेज, क्लास, और भी जितनी हम हेडिंग बनाना चाहें हम उसमें बना सकते हैं। सही है फिर ठीक हमें सेकंड रॉ चाहिए, तो इसलिए हम दोबारा टेबल रॉ का टैग यूज करेंगे। सही है ठीक अब है। जो चीज हमने हेडिंग डाली है उसमें टेबल डाटा के अंदर TD जो आपने टैग यूज किया है वो टेबल डाटा के लिए यूज किया है। जी उसके पहले अंदर हम हम जो क्लोजिंग टैग करेंगे, उसके बाद फिर हम डाटा जी जी का दोबारा से बनाएंगे ना। जी दोबारा करना है तो क्लोजिंग टैग यूज करके वो तो हाँ यूज ऑटोमेटिक हो करके गया। जी क्लोजिंग टैग ठीक ऑटोमेटिक आ है जाएगा ना, उसी दफा में सही। जब हम TR लिखेंगे तो जी हम जी वो उसमें क्लोजर है सेंटर में जो है वो डाटा ऐड करते जाएंगे। फिर जी। टेबल डाटा टैग यूज करेंगे, टेबल डाटा में हम TD टैग जो है उसके अंदर हम जो फर्स्ट में चीज डाली है नेम, एज और फेवरेट लैंग्वेज, सही है ठीक है ठीक सिक्वेंस है। वाइज वो चीजें डालते जाएंगे ओके जजाकला इसी थैंक यू। तरीके। सही है सही है वेलकम। सही ठीक है। अच्छा अब सब कुछ जो है क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। जी फिर सही आपने है वो अनलिस्टेड और जी। अनऑर्डरलेस और अनऑर्डरलेस ऑर्डरलेस वो बस बताया कि उसके बाद LI लिख के बस उस तरह से जो है जी। वो एल आई, एल आई लिखना है। किस लिए, एल आई किस लिए क्या स्टैंड करता है, एल आई से क्या होता है? लिंक आई नहीं थिंक नहीं 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 एल आई लिंक लिस्ट, लिस्ट टैग। लिस्क लिस्क LIS की लिस्क। हाँ सही जी है लिखा है। लिस्ट टैग जी। ठीक है लिस्क चलें मींस लिस्ट मतलब हम लोग लिस्ट बना रहे हैं ना, ऑर्डर अच्छा लिस्ट, लिस्क, ऑर्डर लिस्ट अच्छा सही बना है रहे हैं। लिस्ट लिस्ट। ठीक है सही है। जी जी लिस्ट बना थैंक रहे यू। हैं। सही है ओके चलें इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आप लोग जो है इसकी पिक्चर्स लेके ग्रुप में ज़रूर शेयर किएगा, इसकी भी और क्रोम की भी, जो आप लोगों का इंटरफेस वहाँ पे क्रोम पर आ रहा होगा वो भी। और यही सेम कोड ट्राई नहीं ओके किएगा अपने, जो है कुछ न्यू क्रिएटिव बनाने की कोशिश किएगा इन्हीं जो जो चीज़ें पढ़ी हैं हमने इनमें, इन्हीं से। और बाकी कल की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन है मुझे, वो जो आपने CSS में स्टाइलिंग दी थी तो वो आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था वो मैं भूल गई। वो आगे जाके हम दोबारा पढ़ लेंगे, उसका कोई इतना मसला नहीं है। वो लेकिन कलर के लिए चलें ठीक जी जी वो हम आगे पढ़ेंगे, वो आप फिर जो है कंफ्यूज हो जाएंगे CSS में और HTML दोनों में, क्योंकि चलें दोनों ठीक अलग है अलग चीज़ें हैं। ठीक है ठीक ओके अल्लाह हाफिज़। नाफिस।